गुड मॉर्निंग गाइस, कल हमने चैप्टर नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था, अब हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट। व्हाट वाज अशोकास धम्मा? धम्मा का मतलब होता है धर्म। अशोकास धम्मा डिडंट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ ए गॉड और ए परफॉर्मेंस ऑफ ए सेक्रीफाइस। अशोक का जो धर्म है उसमें कोई पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं है। ही फेल्ट दैट जस्ट एज ए फादर ट्राइज टू टीच ही चिल्ड्रंस ही हैड ए ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट। वो कहता है कि जैसे एक पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपने पुत्र को हर चीज़ बताता है, वैसे ही हमारा भी कर्तव्य है कि हम क्यों ना विषयों के बारे में लोगों को सलाह दें। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर बाई द टीचिंग ऑफ बुद्धा, और वो बुद्धा के शिक्षा से काफ़ी इंस्पायर से काफ़ी प्रेरित हुए थे। देर वर ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे ऐसे दुख थे जिन्होंने उनको काफ़ी दुख पहुँचाया अंदर से। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स एंड दिस समटाइम लेड टू कन्फ्लिक्ट। उनके पूरे साम्राज्य में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग धर्म मानते हैं और कभी कभी इस चीज़ को लेके द्वंद्व भी हो जाता है। एनिमल्स वर सेक्रीफाइड, पशुओं की बलि दी जाती है। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, जो दास हैं या फिर नौकर चाकर हैं उनसे गंदा व्यवहार किया जाता है। बिसाइड्स देयर वर क्वैरल इन फैमिलीज अमोंग एस नेबर्स, और इसके अलावा आपस में आस पड़ोस में और रिश्तेदारों में भी लड़ाइयाँ होती हैं। अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सोल्व दीज प्रॉब्लम्स, तो अशोक ने यह महसूस किया कि यह मेरा कर्तव्य है कि मैं इन समस्याओं का समाधान करूँ। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज द धम्मा महात्मा हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्मा। तो उन्होंने एक अधिकारियों को चुना जिनको जो है धम्मा महात्मा कहा गया था, और वो उनका काम क्या है, इन शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हैं जगह जगह पर जाके। उन्होंने जो है अधिकारी नियुक्त किए हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। बिसाइड अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, उन्होंने इसके इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुडंट रीड इट देमसेल्स, उन्होंने इसके अलावा अपने इन संदेशों को पत्थरों पर या फिर पिलरों पर भी खुदवाया है और अपने अधिकारियों को यह बताया कि जो व्यक्ति इन संदेशों को नहीं पढ़ सकते उनको जो है तुम पढ़कर सुनाओ। अशोका आल्सो सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्मा टू देयर लैंड सच एज सरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका। और अशोक ने जो है संदेशवाहकों को अलग अलग जगह पर भेजा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, जैसे सीरिया है, इजिप्ट है, श्रीलंका है, ग्रीस है, यहाँ पर। ही बिल्ट रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेज, उन्होंने क्या किया है, रोड बनवाए हैं, कुएं खुदवाए हैं, रेस्ट हाउसेज विश्रामालय खुलवाए हैं। बिसाइड ही अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, और उन्होंने जो है पशुओं के लिए भी और व्यक्तियों के लिए भी चिकित्सालय खुलवाए हैं। अशोका मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, अशोका का जो मैसेज है वो बताया गया है यहाँ पे। पीपल परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ रिचुअल्स वैन दे फॉल इल, वैन देयर चिल्ड्रंस गेट मैरिड, वैन चिल्ड्रंस आर बोर्न और वैन दे गो ऑन ए जर्नी। अशोक बोलते हैं कि लोग बहुत सारे अलग अलग कोई रीति रिवाज करते हैं, जब बच्चों का जन्म होता है, जब बच्चों की शादी होती है, जब कोई बीमार होता है या फिर कोई अपनी यात्रा पर जाता है। दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, लेकिन ये सभी रीति रिवाज कोई काम के नहीं हैं। इफ इंस्टीड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिस दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल, व्हाट आर दीज अदर प्रैक्टिस, अगर लोग इनको छोड़ के कुछ और करें तो वो शायद अधिक लाभदायक होगा। तो पढ़े के कौन कौन से हैं वो, दीज आर बींग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर्स, ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, गिविंग गिफ्ट टू ब्राह्मिन्स एंड मॉन्क्स, इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वन साउंड रिलीजन्स और क्रिटिसाइज अनदर वंस, ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन्स, इफ वन प्रेजेज वन साउंड रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर वंस इज एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वन साउंड रिलीजन्स। वो कहता है कि हमें क्या करना है, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना है, जैसे हमारा कोई दास है, नौकर है, बड़ों की इज्जत करनी है, सभी क्रिएचर को समान समझना है कि सभी को दर्द होता है, ब्राह्मण्स को या फिर मॉन्क को जो है गिफ्ट दो, और ये गलत बात होती है। जैसे कई आदमी ऐसे होते हैं जो अपने धर्म की तो प्रेजेस करेंगे कि मेरा धर्म इतना अच्छा है और दूसरों के धर्म की निंदा करेंगे, तो ये कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति अपने धर्म की प्रशंसा करके दूसरे धर्म की निंदा कर रहा है तो वो ऐसा करके अपने ही धर्म को दुख पहुँचा रहा है, इसमें दूसरे का कुछ नहीं है। देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ अनदर रिलीजन्स एंड रिस्पेक्ट इट, तो हमें दूसरों के धर्म को समझकर उनका सम्मान करना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रॉट, ही एडिक्ट स्टिल स्पीक टू अस इन ए लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम दैम। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अशोका मैसेज दैट यू
थिंक आर रेलिवेंट टुडे, मतलब उन्होंने यही कहा है कि उनके जो इंस्ट्रक्शन हैं वो इस लैंग्वेज में लिखे गए हैं कि हम आज भी उनको पढ़ सकते हैं, ऐसी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला है। अब ये थोड़ा सा इन्होंने इसके बारे में लिखा है, समवट बिफोर द टाइम ऑफ मौर्या एम्पायर अबाउट 2400 ईयर्स एगो एम्पायर इन चाइना बिगेन बिल्डिंग द ग्रेट वॉल। मौर्या साम्राज्य से पहले भी 2400 साल पहले ही चाइना के जो शासक हैं उन्होंने भी जो है विशाल दीवार की का निर्माण किया है। इट वॉज मिंट टू प्रोटेक्ट द नॉर्थन फ्रंटियर ऑफ एम्पायर फ्रॉम पेस्टोरल पीपल। एडिक्शन टू द वॉल वर मेड ओवर ए पीरियड ऑफ 2100 ईयर्स बिकॉज ऑफ फ्रंटियर ऑफ एम्पायर कैप्ट शिफ्टिंग। द वॉल इज अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग एंड इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स विद रॉड अलोंग द टॉप। सेवरल थाउजेंड पीपल वर्क टू बिल्ड द वॉल। देयर आर वॉच टावर्स ऑल अलोंग एट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100-200 मीटर्स। मतलब यही बताया गया है कि जैसे चाइना में भी ऐसी दीवार बनाई गई है जैसे है, ये क्यों बनाई गई है, ताकि जो बाहरी जो शक्तियां हैं वो हमारे साम्राज्य पर आक्रमण ना कर सके, इस चीज़ को बचाव को लेके ही इनका निर्माण किया गया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। सो बाय बाय, हम कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।